किसे की ना मन रहो जाट हो है जहर जो जाट की ना मन रहा हो है जाटनी गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो चलिए करते हैं एक और ब्लॉग की शुरुआत। और मैं सोची पूछी आगे मशीन लगा रखी है और आज मशीन पहली बारिश होया है थोड़ी सी लेट लगी थोड़ी के बहुत गणी लेट लगी आज आँखा ना खुली पहला था और अलार्म भर रहा क्या था अलार्म वाले 6 बजे मशीन लगाई आज। तो सोची के थोड़े से कपड़े हैं फिर बच्चे स्कूल उकूल जा हैं तो जरूरी हो जाए आज संडे है। और पूसी नू देखू थी दूध का यो भरया पा भी लग गया खिंड भी गया गाँव ये सारा तो आई है कोने फिर वह लग गया मैंने शाम ने बाट देखू थी कि 2 बतवा पी गई थी फिर मैं कल रात ने भूख लग गई तो पी लेगी। और पेड़ पौधे खूब बढ़िया हो रहे हैं सारे में खूब बढ़िया जो नू था ना कि चल ले कोने लगा रखे वे भी हो गए। मैं लेक आई थी कति सूख रहा था तो यो भी हो गया एक तो हो गया ये दूसरा भी हो ही जाएगा शायद इसमें तो भी निकला है सारे और बेल बेल सब कुछ इतना बढ़िया हो रहा है ये बेल भी हो रही है गनी है सारी तो पानी भर लिए हमने और कपड़े तो थोड़े हैं तो थोड़े हैं 2 बार चाबी पड़ेगी एक बार मैंने लगा दी है। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है ठंडा ठंडा सा सुबह सुबह तक शाम ने भी ठंड सी हो जा है तो पौधा में पानी वानी भी देंगे। यो पेड़ भी इसमें एक भी पत्ता नहीं था कती और खूब बढ़िया सारा हो गया देखो ये इतना बदरा है याड़ी तो इसका कलर बहुत प्यारा है सारे पौधे बढ़िया हो रहे हैं। मिलते हैं गाइस कपड़े धो लियो पहला नू तो टंकी भरी है बाहर की भी पानी की तो खर वो को ना टेंशन एक टंकी बाहर भरी है ऊपर की भी भरी है सारा पानी तो भरया है हमारा मतलब बिना मोटर के भर जाए पानी तो ऊपर अपने आप है। तो चलो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद। की थी सारी रात ए हर्रया खेंडे भी गया यो आधा मुद्दा मर गया कति पीले। तो गाइस कपड़े भी मेरे थोड़े से रह गए एक चाबी और रह गए बस मैं छोड़ूँ हूँ और सोमवीर जी नमक कूटन लाग रही इतना नमक कूट दिया इसमें मिक्सी में तोड़ करूँगी एक बार और यो रह रहा है यो कूटन लाग रही गाइस नमक पिस गया है सोमवीर जी ने इतना तो पीस रखा है बहुत ज़्यादा पीस रखा है कूट रखा है मतलब तो इसमें थोड़े थोड़े जो करतवे रह जाए ना तो मैंने मिक्सी के महक काट दिए हैं इतना तो यो पीस दिया है चाबी और बड़ा यह आखिरी चाबी है तो यो पिस गया है और यो मैंने पीस लिया है इसमें मिक्सी में फिर कुछ जरूरत ना रहती इतनी थोड़ा थोड़ा ही पीसना पड़ा ही वैसे सोमवीर जी ने पूरा कर रखा हाथ पर एक बार फाइन हो जाए यो कति और फिर छाननी में तुम्हें छान दू मका कोई एक अद्धी वो ना रहे। तो चलो बस यो मेरा और रह रहा है और वे और कूटन लाग रहे मानते कौन या एक परात बरगी है मैंने यो नमक का ही है हमारा तो इसमें नमक डाल दिया है इतना हो गया है और यो खाली हो गया है सारा तो चलो सोमवीर जी ने और कूट दिया वो उठा लें। तो गाइज कपड़े धुल गए हैं सुखा भी दिए हैं ये टफ वफ कुछ भी ना ठाक धरा है सारा और नमक भी तो बिहड़े तो ठा दिया है सारा मिक्सी मिक्सी रह रही है दानी और सब्जी भी बना दी है सब्जी में बनाए हैं करेले तो आटा भी लगा दिया है मैंने साथ साथ में बर्तन वर्तन साथ साथ करके धर दिए हैं। तो चलो भूख लग रही है बहुत जोर तक रोटी बनाव हाँ या तने की कह रही थी का आए कि गई
पायदान पर लुटा दे, अब वो पैस हो जाएगी। आए देखी सी सोन लाग रही जो बेहूस हो रही है, कदे ऊपर कदे नीचे। पुसी ई ना कहूं मैं तो पुसी ने। ए ले ली अंगड़ाई है, खोल ले आंख, उठ ले, पोचा लगेगा। तो गाई हमने चाय पी ली, चाय बना रखी थी और ये बर्तन उठा के ले लूँ। वैसे तो किचन में और तो कुछ ही बक फिलहाल करा ना, पर बर्तन रखे हैं चाय के जरूर, अरवे उठाने रखे हैं और है ना, गणाई टाइम लग गया। 12 रखे रहे थे बर्तन, क्योंकि मैं लग गई सूटा में, सूटा वाली आ जा बीच बीच में, तो काम फिर छोड़ना ही पड़ा है, जरूरी हो जाए छोड़ना। तो बर्तन साफ करूंगी और लाइट वाइट मैंने जला दी हैं, कई घंटे लग जा दिखाने में, फिर समेटने में उस ना टाइम में। तो और बर्तन ये कपड़े उतार दिए हैं रितिका ने, और रितिका ने उतारे हैं तो सबके अलग अलग उतारे हैं, जितने भी हैं सबके न्यारे न्यारे उतार रखे हैं सारे के, तो सब तगड़े मेरे हो। तौलिया तालिया सब कुछ दो रखा था, तो सबके सारे तार दिए हैं रितिका ने। और इब जाऊंगी बाजार में, आज है संडे तो इब नोरते भी शुरू हो जाएंगे, आलू ले आऊंगे, टमाटर वमाटर मिर्च विर्च खत्म हो रही है कई चीज़, तो वे भी ले आनी है। तो चलो थोड़ी देर में जाऊंगी, पहला एक बार देखूँ बर्तन साफ कर दूँ पहला, उसके बाद जाऊंगी सब्जी लेन। तो मैं रन्नी जा हाँ सब्जी लेन, खीरे और देखूंगी, और तो तेरे पापा सब्जी ले कर रहा कहीं। तो चलो बाजार में आ गए थे गाइस, सारा सामान मिलन लग रहा, बर्त भी हरे बर्त का भी मैं लेना सामान। बाजार में तो गाइस हम आ गए, अरे इस तो सब्जी का ठेला पकड़ा हुआ है, सोची जवा ना पकड़ा था, के लिया है तुम बाण भाई, के लिया थे ती। ए तू तो रहने दे जीजी, यो इधर देगा, 2-5 किलो तक खीरे हैं, 2 किलो क्यों करो। नारियल ले आई मैं और जो सामान ना था ना, रितिका देखिए चूड़ी एक बार, सूट पे सही मिल लगी। चूड़ी ले आई अस्त में, ये माता की चुन्नी है। तो गाइस मैंने ऐसा सूट से मंगाया अपना, तो उस पे सही मिल लेंगी, पहली बार लाई उनमें वेलवेट की चूड़ी, क्योंकि और को से उसमें रंग था एक होना, तो मैं कहा चल कोई ना ये देते, देख ली एक बार सूट पर दरकन। और गणा कुछ ना लेकर आई हूँ, तो सब्जी धरी है कई बस। अरे नी टमाटर तू मना मारा गा के, 3 किलो टमाटर में मत जे। फिर भी दोबारा जाना पड़ा, और तो कोई दिक्कत ना थी मैंने गुरु, मैं कहा इसमें सब्जी खड़ा गई, और तो खीरे ले आई थी मैं 5 किलो, और हरी मिर्ची ले आई हूँ, टमाटर ले आए, टमाटर 2 किलो तो रह रहे थे, एक रिश्ते के ले आई मैं, एक यो डिब्बा सा ले आई मैंने, बहुत बढ़िया लगे इसमें, जोत का सामान गालन थी, देख रही थी कैसा लगे, बढ़िया लगे ना। और एक यो डिब्बा ले आई, देखे आटा रखने थी, क्योंकि मेरा टूट गया यो सेम, तो इस मारे आज मैंने मिल गया, तो मैं ले आई कई बार देख ली थी। तो चलो गाइज यो ही सामान लेकर आई मैं, गणा कुछ ना लेकर आई आज। तो गाइज मैंने आटा तो लगा कर रख दिया, फिर सोचा कि चलो सब्जी और लगा दूँ साथ साथ में। तो ये है खीरे मैंने इसमें लगा दिए सारे, और ये 3 घिया थी तो ये भी मैंने इस समय रख दी, मिर्च टमाटर एक थैली नीचे भर कर रख दी, टमाटर खीरे के ऊपर ये ताजी है, और ये पहला खीरा ही है ये वाले। तो और सोमवीर जी ये लेकर आए खीरे, ओ खीरे कौन है। खीरे तो मैं लेकर आ रही हूँ, तरबूज, और ये हैं इसमें आलू, और ये पहला के बच रहे हैं 3 खीरे, तो इन्हें मैं अलग रखूँगी, क्योंकि पहला ये खाए जाएंगे। और ये टमाटर तो नहीं सोचूँ कि सही है, इन्हें इस समय रख दूँ ऊपर, तो चलो हनी रखेगा इन्हें आकर,
फ्रिज में दरवा दूँ अन्नी दौरा, क्योंकि मेरे तो तैयार उठा है नहीं, इतनी भारी होगी इसमें। गाइस आटा लगा दिया था और मेरा दूध का काम ना करा था आज मैंने, तो दूध जमाऊंगी आज तो शाम नहीं जमाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सुबह भूल गई कुछ फिर मतलब भाई आ जा है कपड़े वपड़े के उसमें चक्कर में भूल जाऊँ, तो चलो कोई ना रात ना जल्दी ठवा दूंगी, कोसे दौरा कोसा ना कोसा तो उठेगा सारा तक है कसोया करूँ मैं। तो एक बार दही जमा दूँ और दूध का कर लूँ पीण प्याण का सारा और रोटी बनाऊँ। गाइस रोटी बन गई और किचन कर दिया है बिल्कुल क्लीन सारा, और दही मैंने जमा दी, दूध के भगोने वगोने सब्जी का कढ़ाई वढ़ाई सब कुछ धो दिया है, सारा निमट गया, फिलहाल तो रोटी खानी रह रही। तो गाइस बस सिर्फ रोटी खानी रह गई हमारी, और दूध मैंने गर्म ले लिया है शीत ना लियो वास्ते, दूध लेवंगी तो मैं दूध दूंगी तो मेरा सारा काम फिर गल गल निमट जाएगा। तो चलो गाइस खाना खा ले मैं भूख लाग रही है, दवाई दुई मैंने ले ली है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाय गुड नाइट।